चुनकट्टा की भूमि पर चूना पत्थर उत्खनन को लेकर ग्रामीणों के भारी विरोध के बीच लोक सुनवाई की गई, जिसमें जिला प्रशासन के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। दुर्ग जिले के ग्राम चुनकट्टा में 1 हेक्टेयर 58 डिसमिल भूमि में चूना पत्थर उत्खनन के लिए शुक्रवार को आदिवासी सामुदायिक भवन परिसर के सामने मैदान में ग्रामीणों के भारी विरोध के बीच लोक सुनवाई की गई। इस जन सुनवाई में अपर कलेक्टर अरविंद इक्का, SDM लोकेश ध्रुव, SDOP आशीष बंछोर, पर्यावरण विभाग के अफसर व स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जन सुनवाई में गांव में चूना पत्थर उत्खनन के लिए खदान खुलने का पहले से दंश झेल रहे लोगों ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन वहीं ज्यादातर चुनकट्टा के ग्रामीणों ने खुलकर इसका समर्थन भी किया। आपको बता दें कि कमल अग्रवाल द्वारा नई खदान खोलने के लिए आवेदन पेश किया गया था, जिस पर जन सुनवाई का आयोजन प्रशासन ने किया था। जिसे प्रशासन द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जन सुनवाई में पक्ष व विपक्ष में दावा आपत्ति भी की गई तथा इस जन सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई। इसके संबंध में निर्णय पर्यावरण संरक्षण विभाग जिला मुख्यालय द्वारा किया जाएगा, उक्त खदान खोली जाएगी या फिर नहीं। गौरतलब है कि सेलुद क्षेत्र ग्राम चुनकट्टा मुड़पार पतोरा छाटा गोड़ पेंड्री अचानकपुर दौर परसाही धौराभाटा में चूना पत्थर खदान एवं क्रशर की भरमार है। खदान अब बस्ती तक पहुंच रहा है। पहले ही क्षेत्र के लोग क्रशर खदानों की भरमार और वहां होने वाले धमाकों से नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं। साथ ही यहां के कई क्रशर खदान जरूरत से ज्यादा गड्ढा खोदकर बंद भी कर दिए गए हैं, फिर भी इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। अभी पाटन तहसील क्षेत्र के ग्राम चुनकट्टा में 1 हेक्टेयर 58 डिसमिल हेक्टेयर भूमि में चूना पत्थर उत्खनन किया जाना है। यहां 30,000 टन प्रतिवर्ष उत्खनन के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए शुक्रवार को जन सुनवाई हुई। इस जन सुनवाई में चुनकट्टा मुड़पार सहित आसपास के कई ग्रामीणों ने भारी विरोध किया। जिसमें लोगों का कहना था कि पहले ही क्षेत्र में क्रशर खदानों की भरमार है, जिसके कारण धूल और धमाकों से हलाकान है, फिर चूना पत्थर खदान खोलकर लोगों को प्रदूषण में झोंकने की तैयारी की जा रही है। विरोध करने वाले ग्रामीणों का कहना था कि स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी 1 सप्ताह इन गांवों में रहकर देखें कि किस तरह हम ग्रामीणों की स्थिति रहती है। खदान की स्वीकृति नहीं दिए जाने वालों ने अपने तर्क में कहा कि पहले जिन खदानों में पर्यावरण स्वीकृति दी गई है उनमें से ज़्यादातर नियमों का पालन नहीं किया जाता। ब्लास्टिंग के दौरान कई बार पत्थर घरों में आ गिरता है, वहीं ब्लास्टिंग के दौरान भूकंप के झटके भी महसूस होते हैं। इसी कड़ी में जन सुनवाई के दौरान विभाग द्वारा पक्ष और विपक्ष में बोलने वालों का नाम दर्ज विभाग द्वारा किया जाता है, लेकिन कमल अग्रवाल के खदान में काम करने वाले कुछ लोगों द्वारा बाकायदा पंडाल के अंदर कुर्सी में बैठकर जिन लोगों द्वारा खदान खोले जाने की सहमति दे रहे थे उनका नाम एक डायरी में एंट्री किया जा रहा था। उपस्थित लोगों का कहना था कि आखिर किस वजह से समर्थन करने वालों की डायरी में नाम की एंट्री की जा रही है। इस दौरान जन सुनवाई में पंडाल के अंदर कुछ व्यक्तियों के बीच झूमा झटकी भी देखी गई। खदान नहीं खोले जाने को लेकर कई लोगों द्वारा जमकर नारेबाजियां भी यहां पर की गई। कुछ लोग पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे तो कुछ लोग विपक्ष में। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में झूमा झटकी होने लगी, जिसके बाद पुलिस बल ने मामले को काबू में किया। इस संबंध में वहां मौजूद लोगों ने क्या कहा आप भी सुनिए।
नाम चित्रसेन देवदास है, मैं पतोरा से आया हूँ। चित्रसेन देवदास सर, वो हैवी ब्लास्टिंग होता है, इससे बहुत दिक्कत परेशानी है मैम। मतलब गांव में शटर वगैरह आवाज़ आते हैं ब्लास्टिंग का बहुत ज़्यादा, और डस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा है मैम। मतलब ये मैम कि यहाँ रोजगार नहीं है, महिलाओं के लिए बेरोजगार है, सब समर्थन जगह तो जॉब कहाँ करेंगे, घर परिवार कैसे चलेगा, बहुत परेशानी है मैम। दबाव तो पूरा है मैम, इन लोगों को बोल नहीं पा रहे खुल के लोग, दबाव तो बहुत ज्यादा है। दबाव किसका बोलूं मैं, खदान लग भी दबाव, रात में जाके बोलते हैं अगर आप लोग अगर उपेक्षा बोलोगे तो हमें रोजगार नहीं देंगे। नाम सब वो उसके भी लोग आए हुए हैं, नाम लिखते हैं मैं बगल से कौन कौन क्या क्या बोल रहा है यहाँ के लोग, ऐसा पैसा तो रात में बताया मैम। कितना जानकारी आप, किसी को 1000 किसी को 500 फैमिली के हिसाब से दिए दिया मैम। कलेक्ट्रेट में हो रहा है बोल के सब बताया, लेकिन रोजगार सब यही रोजगार में आके बातें सब दब जाते हैं, सभी बातें रोजगारी नहीं सर। यहाँ अगर हम लोग बंद करवा देंगे खदान तो हमें रोजगार कहाँ से मिल पाएगा, कि आसपास घर यापन जीवन यापन करने के रोजगार का साधन नहीं है। समर्थन भी दे रहे हैं उसका भी तकलीफ है, समर्थन दे रहे उसका भी तकलीफ है सर। सबका नाम हम गिना जा रहा है, समस्या में अपने को बहुत है। नाम मेरा शरद कुमार चुनकट्टा से हूँ मैं, चेतन कुमार साहू। यहाँ पे हम लोग का ना घर 50 मीटर के दूरी पे है, अब हम लोग ना यहाँ से कैसे गुंजाइश कर रहे हैं हम लोग को पता है। आज भी आप जाके देख सकते हैं वहाँ कितना खदान खुला है, खेती किसानी नहीं है सर, पूरा लोग ना बर्फ दिए हैं, रेट भी नहीं दे पाते हैं यहाँ पे। प्रेशर के ही दौरान हम लोग यहाँ आए हैं, मजबूरी है एकदम। अब हम लोग को मजबूरी है कि आधे लोग गांव के तो समर्थन में दे रहे हैं, हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग को तो मजबूरी है, 50 मीटर के दूरी में अपना घर है, अब हम लोग समर्थन नहीं देंगे, आगे लोग आके देंगे। हम लोग विपक्ष हम बोल सकते हैं अभी आके 70 आदमी, बस्ती तो अपना खराब हो रहा है गांव यहाँ पे, यहाँ तो सब पैसे के दबाव में है मैडम। कितना पैसा बटा है? 1000 रुपया दे रहे हैं सबको प्रति व्यक्ति, ये आज से चालू कर रहे हैं। जी मैं चंचल चंद्रकांत यादव, ग्राम सेलूद के उप सरपंच हूँ, और पिछले बार हमारे 16 तारीख को जन सुनवाई सेलूद में भी हो रही है। मैं कुछ दिन के लिए स्वास्थ्य ठीक नहीं रही, बाहर गए रहे हूँ, जन सुनवाई हो रही है। ये लोग सब चोर हैं, अधिकारी से लेके सब बिकते हैं, कैसे खरीदा जाता है मेरे बाद में पता चला है। खदान खुलने में कोई कोई दिक्कत नहीं है, खदान खुलना चाहिए, रोजगार हर एक व्यक्ति को मिलता है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी वाला बात नहीं है। लेकिन इसके यार में जो हाईवे ब्लास्टिंग होता है, कोई मर रहे हैं, किसी घर टूट रहा है, दरार आ रहा है, मैं वहाँ भी विरोध किया था इस चीज़ को, आज भी विरोध करता हूँ हाईवे ब्लास्टिंग का। ये लोग आज यहाँ जन सुनवाई करके सबके सहमति लेके 500-1000 रुपये दे चले जाते हैं, बाद में कौन आता है? गांव वाले लोग रोड में बैठ के हम लोग विरोध करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। खदान खुलना चाहिए, यहाँ ऊपर से नीचे तक हर एक लोग बिके हुए हैं, व्यक्ति लोग, अधिकारी बिके चाहे कोई बिके, हर एक व्यक्ति बिके हुए हैं। मैं इस चीज का विरोध करता हूँ। आज 16 तारीख को जो जन सुनवाई था मेरा, वहाँ लिखित में है ना, वीडियो वहाँ भी बना हुआ है अधिकारी के पास, उसको उठा कर देख लीजिए आप कि वहाँ मैं क्या बोला हूँ। आज भी मैं बोलता हूँ कि खदान खुलना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले जो खदान संचालित था बहुत सिस्टम से और बहुत अच्छा चलता है, आज एक एक प्लास्टिक अगर जो हो रहा है एक खदान में 20 होल पड़ता है, 20 होल 25 होल उसका ब्लास्टिंग ऐसा रहता है कि वो बस्तर से ज्यादा ब्लास्ट होता है यहाँ, बस्तर से ज्यादा। जो नक्सलाइट जो क्षेत्र है वहाँ तो हमको महीना दो महीना सुनने को मिलता है, लेकिन हम यहाँ जो ब्लास्टिंग होता है, सब समर्थन कर रहे हैं, किसी दबाव में कर रहे हैं? दबाव है मैडम, दबाव है पूरा दबाव है, सब पैसा लेके काम कर रहे हैं। अब वो 500 ले 1000 ले सब दबाव में काम कर रहे हैं जी, किसका दबाव है? अब चाहे वो अधिकारी का दबाव हो, गांव वाले का दबाव हो, सरपंच का दबाव हो, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, मानता हूँ इस चीज को। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि खदान खुलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सिस्टम से अगर कोई चीज हो तो, मैं पिछले बार बात रखा था कि सेलूद में दो दो, मैं चंचल चंद्रकांत यादव ग्राम पंचायत सेलूद बूथ पर सामने आओ, थोड़ा सा घूम ले। मेरा नाम नोहरलाल चंदेल है, मैं ग्राम चुनकट्टा का रहने वाला हूँ। खदान खुलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है और गांव वाले को भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पब्लिक को परेशानी इस बात का है कि रोड में चलने वाले गाड़ी धूल धक्कड़ ये सब चीज़ के लिए, पानी वानी डालने के लिए, और क्या बोलते हैं क्रेशर का भी है, पूरा रोड में जाते हैं पूरा धूल, बाइक वाइक का तो पूरा एक्सीडेंट होता रहता है इधर, तो इसीलिए खदान खुलने से पहले पानी वानी अपना सेफ्टी से खोले भैया खदान, कोई सुरक्षा नहीं करते भैया, ना हेलमेट देते हैं, ना टोपी देते हैं, ना सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रहता, कोई ध्यान नहीं रहते इन लोग को।
बस खाली ब्लास्टिंग कर दिए, वो दो आदमी उधर भेजे, दो आदमी इधर भेजे और दो चार उधर भेज दिए, हो गया ब्लास्टिंग। और क्या बोलते हैं उसको, सेफ्टी बेल्ट ना दिए, सेफ्टी जैकेट ना दिए है, सेफ्टी हेलमेट नहीं दिए, सेफ्टी जूता भी नहीं दिए, कुछ नहीं देते लोग। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।